नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा तो कई जगहों पर भारी बरसात होने की संभावना। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम, कब आपके यहाँ पर भारी बरसात होगी, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी रांची, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, कुंडी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोंडा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले का शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, पूरे झारखंड में आधी और बारिश ने बचाई तबाही, बिगड़ी सड़कों की सूरत, जल जमाव से लोग परेशान। दोस्तों, रांची समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम बदला और बीते 3 दिनों के दौरान भारी बरसात हुई है। रांची मौसम विभाग की माने तो पिछले 3 दिनों के दौरान बारिश से काफी ज्यादा जगहों पर अधिक बरसात से तबाही देखने को मिली। लेटेस्ट ताजा जानकारी की वजह जिसकी वजह से जो है कारण यह है कि कई जगहों पर लबादब पानी भर गया है और तालाब में दोस्तों तब्दील हो गए। मौसम विभाग की माने तो लोगों के घरों में सड़कों पर पानी भर गया और भारी बरसात के कारण काफी तबाही वाली बरसात देखने को मिली। रांची की बात की जाए तो निचले हिस्सों में जल जमाव हो गया है और पछली सीलनगर, रातू रोड, लोअर और यहाँ पर कोकर और यहाँ पर हरबू, हिंदपीढ़ी और यहाँ पर दोस्तों तिरेल और बूटी बस्ती, पिस्का बोर्ड में अधिक बरसात हुई है। कई जगहों पर भारी बरसात से दोस्तों जो है अनेक इलाकों पर तेज हवाएं चली है। अगले 24 घंटों के दौरान भी हमें भारी बरसात देखने को मिली। पिछले 24 घंटों के दौरान 8:30 बजे तक 54.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सुबह 8:30 बजे तक 191.6 मिलीमीटर बरसात चाईबासा में, रामगढ़ में 142.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। लेटेस्ट ताजा जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों बला डीप डिप्रेशन कमजोर हुआ है। अब झारखंड में दोस्तों जो है कई जगहों पर गर्मी और बारिश जो है एक बार फिर से बारिश की संभावना थोड़ी कम होगी और गर्मी थोड़ी सी ज्यादा देखने को हमें फिर से देखने को जरूर मिलेगी। फिर भी दोस्तों जो है गर्मी आते आते फिर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान भी हमें ऐसे ही लगा था। अगले 24 घंटों की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में काफी ज्यादा और खरसावा मध्य यानी कि रांची, रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, खूंटी में बोकारो के साथ साथ उत्तरी हिस्से यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और येलो अलर्ट जारी किया गया बरसात को लेकर। मौसम विभाग के वाले तो बंगाल की खाड़ी समेत दोस्तों जो है बांग्लादेश और म्यांमार में लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से लगातार बरसात और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी भी कई जगहों पर अच्छी बरसात है तो साथ में तेज हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। लेटेस्ट ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे लोहरदगा में 3 दिन छिटपुट और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमकने के असर काफी अधिक जताए जा रहे हैं। लातेहार में दोस्तों 3 दिन अब छिटपुट बरसात होगी, कुछ जगहों पर मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद भारी से भारी बरसात और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया और विभिन्न इलाकों पर 3 दिन के बाद अच्छी खासी बरसात होने की संभावना काफी अधिक है। वही दोस्तों यहाँ पर कोडरमा की बात की जाए तो 3 से 4 दिन छिटपुट बरसात होगी और बुधवार, गुरुवार से भारी बरसात और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। वही दोस्तों मौसम विभाग के वाले तो खुट्टी में 4 से 5 दिन से लेकर पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात होगी और बिजली गिरने की आशंका काफी अधिक है। और मौसम विभाग के वाले तो जामताड़ा में 3 दिन छिटपुट और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। हजारीबाग में 3 दिन छिटपुट और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार से भारी बरसात होगी। गुमला की बात की जाए तो 24 से 48 घंटों के दौरान अच्छी खासी बरसात होगी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार से भारी बरसात और बिजली गिरने की आशंका है। गोड्डा में 3 दिन छिटपुट और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार से भारी बरसात होगी। गिरिडीह में 3 दिन छिटपुट, बुधवार, गुरुवार से भारी बरसात हो सकती है। गढ़वा में 3 दिन के बाद बुधवार, गुरुवार से अच्छी बरसात होगी। पूर्वी सिंहभूम में 3 दिन के बाद दोस्तों अच्छी खासी बरसात और बिजली गिरने की आशंका है। दुमका में 3 दिन छिटपुट, उसके बाद बुधवार, गुरुवार से अच्छी बरसात होगी। धनबाद में 3 दिन के बाद भारी बरसात होने के आसार है। देवघर में 3 दिन के बाद बुधवार, गुरुवार से अच्छी बरसात होगी। बोकारो में दोस्तों पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात के आसार है। चतरा में 3 दिन के बाद भारी बरसात हो सकती है। सिमडेगा में 3 दिन के बाद अच्छी बरसात होगी। खरसावा में 3 दिन के बाद भारी मौसम में बदलाव और आज रात तक अच्छी खासी बरसात के आसार है। सरायकेला में दोस्तों 3 दिन छिटपुट, बुधवार, गुरुवार से अच्छी बरसात हो सकती है। साहिबगंज में 2 दिन बादल छाए रहेंगे और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को अच्छी बरसात के आसार है। रांची में 4 दिन के दौरान भारी बरसात के आसार है। रामगढ़ में 4 से 5 दिन के दौरान अच्छी बरसात होगी। पलामू में 3 दिन छिटपुट, उसके बाद भारी बरसात और बिजली चमकेगी। पाकुड़ में 4 दिन के दौरान अच्छी बरसात के आसार है। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अनेक इलाकों पर हवाएं चलती हुई नजर आई है। तो यह था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।